सो लेट अस सॉल्व एग्जांपल 10. क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.80 मीटर और फ्रीक्वेंसी है पर मिनट 100 रोटेशंस पर मिनट, 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. टाइम पीरियड निकालना है हमको इसका और एंगुलर स्पीड, ये दोनों चीज़ें निकालनी है. तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. फ्रीक्वेंसी दर की 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, पर मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पर मिनट था तो डिवाइड कर देंगे इसको 60 से, तो ये पर सेकंड में हो जाएगा. ठीक है, तो 100 बाय 60 अपनी फ्रीक्वेंसी आ गई. टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स, तो फ्रीक्वेंसी अगर 100 बाय 60 है तो टाइम पीरियड 60 बाय 100 सेकंड्स हो जाएगा. ये अपना आंसर हो गया, टी आ गया. टाइम पीरियड और ओमेगा में रिलेशन होता है टी इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा. ओमेगा चाहिए तो ओमेगा हो जाएगा 2π बाय टी. 2π की जगह 2π पुट करो, टाइम पीरियड की जगह 0.6 आ जाएगा. इसको सॉल्व करोगे आप, 0 कैंसिल हो जाएगा तो 0.6 सेकंड्स आएगा ना. वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 2π से 0.6 को डिवाइड करेंगे तो 10.466 रेडियन पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा.